हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो लेकर के आई हूं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसके क्लिक कर दे, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए। और ये वाला मेकअप का लुक आपको चाहिए होगा तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर किरण शंकर चैनल पे जाकर के आप सारे वीडियोस मेकअप के देख सकते हैं। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोग के सामने जबरदस्त फिश करी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप देख सकते हैं, देखने में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा लजीज दिख रहा है। आप देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत है, और ये खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी होगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बता रही हूँ फिश करी की रेसिपी। बहुत सारे लोगों को फिश करी बनाने आता तो है, लेकिन उसका जो करी और ये फिश जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं बन पाता है। दोस्तों, कुछ कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी जो फिश करी है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रोहू फिश है। और रोहू फिश बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आप रोहू फिश खाते तो ज़रूर इस तरह से बनाएं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है, धो लिया है। धोने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके 4-5 मिनट छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसका स्मेल भी चला गया और फिर बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने हल्दी लिया है। हल्दी और नमक डाल के ही सबसे ज़्यादा मैरिनेट किया जाता है, सिंपल अगर फ़िश करी हम बनाते हैं तो। अगर नॉर्मली आप फ़िश फ्राई सिर्फ खाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन सेक्शन से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा हल्दी, लगभग 1.5 से 2 चम्मच हल्दी डाल दिया है, और फिर नमक डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, और इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक के ऊपर कोटिंग कर लेना है, लेयर लगा देना है, बस इतना ही इसमें मैरिनेट करना होता है, ज़्यादा बिल्कुल भी करना नहीं होता है। तो बस अच्छे से मैरिनेट कर ले, और लगभग 4 से 5 मिनट 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फ्राई करने के लिए भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे कढ़ाई लिया है, और कढ़ाई में यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखे कि ये एक टिप है कि फ़िश हमेशा जो है सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लजीज बनता है। और जब इसको तलना कब है, एक बात का ये भी टिप रखे कि जब इस तेल से धुआं निकलने लगे तब जा कर के फ़िश हमें तेल में डालना है, बिल्कुल पहले ना डाले, नहीं तो फिर क्या होता है, फ़िश जो होता है, मछली जो होता है वो कढ़ाई में चिपक जाता है। और मछली फ्राई करने के लिए कोशिश करें कि हमेशा इस तरह का एल्युमिनियम का कढ़ाई का इस्तेमाल करें, तो उसमें मछली जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई होता है, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होता है। तो हमेशा एल्युमिनियम का कढ़ाई का इस्तेमाल करें, और तेल से जब धुआं निकले तभी आप उसमें फ़िश डालें। जब तक हमारा फ़िश एक साइड से पक रहा है तब तक हम इसके मसाले का कर लेते हैं प्रिपरेशन। तो मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे 2 प्याज लिए हैं। बहुत सारे लोग प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं मछली में, तो आप प्याज चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो प्याज, और डाला है यहाँ पे सरसों, सरसों यानी पीली वाली सरसों होता है, पीली वाली सरसों यानी कि 3 से 4 चम्मच मैंने पीली वाली सरसों ले ली है, और इसको काफ़ी अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बीच बीच में हम अपने फिश को भी एक बार चला लेते हैं। एक साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फिश फ्राई हो चुका है, इसको हम पलट देते हैं। दोस्तों, एक बात और यहाँ ध्यान रखना है, बहुत लोग क्या होता है तेल में तुरंत डालने के बाद ही फ़िश को पलट देते हैं, जिसकी वजह से उसका फ़िश टूट जाता है और बिल्कुल अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। तो फ़िश को ध्यान रखें कि काफ़ी अच्छे से एक साइड से पकने दे, उसके बाद ही पलटे, तुरंत ना पलटे। और इसी बीच हम जो हमने मसाले लिए हुए हैं उसको पानी डाल करके बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ही अच्छा पेस्ट बनाएंगे। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पेस्ट हमने बना करके रेडी कर लिया है। तो इधर हमारा फ़िश भी आप देख सकते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से लाल कलर जिसको होता है, और बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखोगे तो आपका फ़िश बहुत ही अच्छा से फ्राई होगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, जो मैंने आपको बताया है। एल्युमिनियम की कढ़ाई रखें और तेल में धुआं उठने के बाद ही उसमें डालें, और सरसों तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो आपका फ़िश जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, और खाने में मत पूछिए, बहुत ही लजीज लगता है।
इसी तरह से हम सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। तो फिश फ्राई हो चुका है, अब चलते हैं इसके तड़का के लिए। तो सेम तेल का इस्तेमाल करेंगे हम, और उसमें हम डालेंगे काली वाली सरसों यानी कि राई का तड़का। तड़का जैसे ही पक जाएगा तो हम अपना जितना पीसा हुआ पेस्ट हमने जो बनाया था सरसों और प्याज का वो डाल देंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे अपने मसाले। मसाले के रूप में हल्दी पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाल दें। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है मैंने। और ये वाली डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसकी वजह से कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप तीखा जितना खाते हैं उस हिसाब से मिर्च पाउडर रखें। और फिर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, यानी कि 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, 1/3 टेबल स्पून यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और 1 से 1.5 चम्मच आप यहाँ पे धनिया का पाउडर डाल सकते हैं। मसाला आप अपने अकॉर्डिंगली डालें, जितना भी आप पसंद करते हैं। और उसके बाद 1 से 2 चम्मच यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ। तो बस मसाले इतने ही डालने हैं और काफ़ी अच्छे से इसको भूनना शुरू करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि मसाले बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं भूनते हैं, जिसकी वजह से कच्चापन लगता है। तो मसाले को बहुत ही अच्छे से ड्राई होने तक भूनना है। तो नमक भी स्वाद के हिसाब से अभी रख देते हैं, जिससे मसाले फ्राई होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। और फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं टमाटर। टमाटर डालने से भी मछली ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर काट करके डाला है। और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे धनिया का पत्ता। दोस्तों ये सब कुछ कुछ टिप्स है, जिसको आप ध्यान में रखोगे तो आपका फ़िश करी बहुत ही लजीज बनेगी। यानी कि जब मसाला फ्राई करने होते हैं तो उसमें धनिया का पत्ता ज़रूर डालें, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से मैंने फ्राई किया है। बिल्कुल क्वांटिटी इतना करना है कि सारा मसाला से पानी मॉइस्चर हट जाना चाहिए। तो बस इतना ही मसाला को फ्राई करना है। आप देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसको फ्राई किया है, बिल्कुल इसके अंदर एक रत्ती भी मॉइस्चर नहीं बचा है। तो मसाला को आपको काफ़ी अच्छे से फ्राई करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी फ्राई कर लिया और बस हो गया। मसाले को काफ़ी अच्छे से फ्राई करें, मॉइस्चर सारा निकाले, ताकि हमारा सरसों वगैरह जो काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। तो बस ग्रेवी डाल देते हैं। ग्रेवी के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं पानी, जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी रखें। बहुत सारे लोग ग्रेवी थोड़ा थिक खाते हैं, बहुत सारे थोड़ा सा पतला खाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें ग्रेवी बनाएं। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैं 2 से 3 ग्लास पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे पतली वाली ग्रेवी बहुत पसंद है। तो आप अगर थिक वाली ग्रेवी खाते हैं तो 1 से 2 ग्लास डाल करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 से 4 ग्लास आप आराम से डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद खोलता है, खोलने के बाद क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो जाती है। और फिश भी डालते हैं तो फिश भी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करता है, उसी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पानी ऐड करें। तो पानी यहाँ पर मैंने 3 से 3.5 ग्लास डाला है। और फिर बहुत ही अच्छे से उसमें बॉयल आने देंगे, उबाल आने देंगे। अब देखिए काफ़ी अच्छे से उबलने लगा है हमारा ग्रेवी। तो बस यहीं पे हम सारे फिश फ्राई जो हमने किए हैं सारे इसके अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों कुछ कुछ टिप्स का आप ध्यान रखोगे तो आपकी फ़िश ग्रेवी, फ़िश करी बहुत ही लजीज बनेगी। आप ज़रूर इस टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएं, आपका फ़िश करी बहुत ही लजीज बनेगी। तो सारे फिश को हमने इसके अंदर डाल दिया है, सारे मछली को इसके अंदर डाल दिया है। तो बस कुछ नहीं करना है, काफ़ी अच्छे से इसको बॉयल होने दे। तो बस फिश करी हमारा बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो है पानी की थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो बस गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए। कलर देखिए वाओ, बहुत ही लजीज दिख रहा है दोस्तों। टेस्ट वाइज तो इतना अच्छा बना है, पूछिए मत। कलर वाइज आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको सर्व करो किसी को तो बिल्कुल वो जितना चावल खाता है, चाहे जितनी भी रोटी खाते हैं, उससे 1 या 2 रोटी या चाहे चावल थोड़ा ज़्यादा खा ही लेगा, क्योंकि इतनी लजीज बनी है कि फ़िश की करी कि बिल्कुल रहा नहीं जाएगा। मुझे तो बहुत पसंद है फ़िश करी, ख़ासतौर पे रोहू फ़िश जब की बारी आती है मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है फ़िश करी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपने इस तरह से बनाया है कि नहीं बनाया है वो भी कमेंट्स करें। और भी किसी तरह का आपको वीडियो का रिक्वेस्ट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको ज़रूर क्लिक करिएगा। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे किसी तरह का वीडियो का अपडेट मिस ना हो सके। तो मिलती हूँ फिर से आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए, तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।